किचन छोटा हो या बड़ा, इसे क्लटर फ्री बनाए रखने के लिए इसका वेल ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो कबर्ड्स हो, पेंट्री या फिर काउंटर टॉप। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि किस तरह से मैंने अपने काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज किया है ताकि मैं इसे और भी फंक्शनल बना सकूं और किचन में काम करते समय मेरा टाइम भी सेव हो। स्टार्ट करते हैं गैस स्टव से। चिमनी के ठीक नीचे हमारा गैस स्टव रखा है। स्टेनलेस स्टील का 3 बर्नर वाला ये गैस स्टव हमारी फैमिली नीड के अकॉर्डिंग सफिशियंट है। इसके राइट हैंड पर मैंने एक 2 टियर मेटल शेल्फ रखी है। ये डिटैचेबल है, आप इसे सिंगल या एक के ऊपर एक भी यूज कर सकते हैं। इसमें 2 लेयर्स हैं और दूसरी लेयर हाफ सेक्शन में ही है, जिससे हम इसमें जो भी सामान रखते हैं वो अच्छी तरह से विजिबल रहता है। यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक आइटम्स रखे हैं, जैसे टी शुगर कंटेनर्स, मसाला डब्बा, सॉल्ट, ऑयल कैनिस्टर, जो हमें हर बार कुकिंग करते समय यूज होते हैं। मेरे लिए कबर्ड में इन्हें बार बार रखना और निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इन्हें काउंटर टॉप पर ही रखा है। गैस स्टव के ठीक लेफ्ट में एक बड़ी सी विंडो है। अगर आपका किचन छोटा है तो आप इसे काफी तरह से यूज कर सकते हैं। इस तरह से एस हुक्स को यूज करके आप ग्रिल पर हैंग करके छोटी मोटी चीजें जैसे सीव, कोलेंडर, छोटे मोटे किचन टूल्स या बास्केट, या फिर अपने किचन को ब्यूटीफाई करने के लिए प्लांट्स भी हैंग कर सकते हैं। इस विंडो से बहुत अच्छी रोशनी आती है तो प्लांट्स भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ सेरेमिक कप्स भी रखे हैं जिनमें निकनेक आइटम रखे हुए हैं। नाउ दिस इज द मेन कुकिंग एरिया जहाँ पूरी प्रिपरेशन होती है, चपाती बनाती हूँ, इसलिए मैंने इसे एम्प्टी ही छोड़ा है। साथ ही मैंने यहाँ पर पास में एक ऑर्गेनाइजर रखा है जिसमें मैंने अपने सारे चॉपिंग बोर्ड्स और कुछ लिड्स भी रखे हैं। इस तरह के कुछ फंक्शनल ऑर्गेनाइजर्स का यूज करके आप काफी सारे सामान को बहुत कम जगह में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सिंक एरिया, जहां वॉल टाइल्स पर एक बास्केट है जो 2 सक्शन कप से फिक्स हो जाती है और इसकी वेट कैपेसिटी काफी अच्छी है। इसके लिए हमें कोई भी ड्रिलिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसमें सारे क्लीनिंग एसेंशियल्स रखे हुए हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में लगते हैं। और ठीक इसके नीचे लिक्विड सोप डिस्पेंसर है जो यूटेंसिल्स को वॉश करते समय काफी हैंडी रहता है। सिंक के ठीक ऊपर मैंने ये एक रॉड फिक्स करवाई है जिसमें एस हुक की हेल्प से हम काफी सारे किचन टूल्स हैंग कर सकते हैं, प्लांटर्स लगा सकते हैं, नैपकिन हैंग कर सकते हैं। इन शॉर्ट, काउंटर टॉप की स्पेस को फ्री रखकर वर्टिकल स्पेस को यूज कर सकते हैं। सिंक के लेफ्ट साइड में आरओ है। आरओ से डायरेक्टली बॉटल्स को बार बार रीफिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं हमेशा एक वाटर डिस्पेंसर अपने किचन में रखती हूँ। इसे दिन में 1 या 2 बार फिल कर लें और फिर दिन भर कुकिंग हो या बॉटल्स को रिफिल करना काफी आसानी से हो जाता है। पास में एक मेटल ट्रे है जहां पर सारी वाटर बॉटल्स रखी हैं और एक मेसन जार जिसमें मनी प्लांट लगा दिया है। अब आगे का जो पूरा काउंटर टॉप है खाली है। जितनी जरूरत हो उतना ही सामान काउंटर टॉप पर रखना चाहिए। काउंटर टॉप के एंड में आता है पूरा किचन अप्लायंसेस का सेक्शन। यहाँ मैंने एक मेटल शेल्फ रखा है जिसे हमने एक लोकल शॉप से कस्टम मेड करवाया था, जिसमें सबसे नीचे माइक्रोवेव और ऊपर की तरफ ओटीजी रखा है। अब ये जो माइक्रोवेव और ओटीजी के वायर्स हैं काफी बड़े हैं, उलझते थे और बिखरे रहते थे काउंटर टॉप पर, तो एक जिप टाई की हेल्प से इन्हें टाई कर दिया है और उतना ही वायर छोड़ा है कि ये स्विच बोर्ड तक पहुंच सके। साथ ही स्विचेस कम है, अप्लायंसेस ज्यादा हैं, तो इनके प्लग को होल्ड करने के लिए ये एक प्लग ऑर्गेनाइजर है जिसे हम टाइल्स पर इजीली फिक्स कर सकते हैं और इसमें प्लग भी जो है इजीली होल्ड हो जाते हैं। माइक्रोवेव और ओटीजी को नैपकिन से कवर करके रखा है ताकि उनके ऊपर डस्ट और ग्रीस एक्यूमुलेट ना हो। जब भी हम इन्हें यूज करें तब हम ये नैपकिन्स हटा सकते हैं। बीच वाले सेक्शन में जो रॉड्स थे वो काफी दूर दूर हैं और उस पे सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता था, इसलिए वहां पर मैंने एक ट्रे रखी है।
जिस पर सारे ड्राई फ्रूट्स के डब्बे, कुछ अचार और कुछ मिसलेनियस आइटम्स रखे हुए हैं। पास ही में मिक्सर रखा है। पहले मैंने इसे डायरेक्टली काउंटर टॉप पर रखा था, पर यूज करने के लिए बार बार आगे पीछे करना पड़ता था और क्लीनिंग में भी डिफिकल्टी होती थी। इसीलिए मैंने एक ट्रे रखी है और उसी में मिक्सर और इलेक्ट्रिक कैटल को रख दिया है, ताकि जब भी इसे यूज करना हो या क्लीनिंग के टाइम इसे सरकाना और वापस जगह पर रखना काफी आसान हो जाता है। जूसर मैं डेली यूज नहीं करती हूँ, पर जब भी कभी यूज करना हो तो यहीं पे रख देती हूँ, ताकि वो भी हैंडी होता है। माइक्रोवेव स्टैंड के पास और इस वॉल के बीच में यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस थी, जहां पर मैंने अपनी सारी सर्विंग ट्रेस को ऑर्गेनाइज किया है। अगर आपका काउंटरटॉप छोटा है तो पीछे की तरफ ट्रेस या ऐसे ऑर्गेनाइजर्स जिनमें वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज हो और आगे का काउंटरटॉप फ्री हो, उससे भी आप अपने किचन को स्मार्टली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस काउंटरटॉप ऑर्गेनाइजेशन से आपको जरूर थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में घंटी को जरूर बजाइए आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।